दफ्तर पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बदजुबानी मामले में विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी दयाशंकर सिंह को फौरन गिरफ्तार करने की मांग की। बीएसपी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरफ से अभद्र टिप्पणी के बाद से उत्तर प्रदेश और दिल्ली की राजनीति में एक अलग माहौल देखने को मिलता है। आज सुबह से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में लगातार बीएसपी के जो सपोर्टर्स हैं वॉलेंटियर्स उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी इस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है कि लोग यहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे हुए हैं कि आखिर क्यों मायावती के ऊपर इस तरीके से टिप्पणी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता को सस्पेंड कर दिया है 6 सालों के लिए। उनके समर्थक उनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप लोग क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट? जब हिंदुस्तान में कोई दलित गलती करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाता है, और जब नारियों का अपमान होता, बहन जी का अपमान होता, तो हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। आज बहुजन समाज की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की लड़ाई है। तो हम दिखाना चाहेंगे कि दयाशंकर साहब जो बीजेपी के नेता थे, अब तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। दयाशंकर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। आइए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? कोंडली विधानसभा। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल है, कोंडली विधानसभा से आए, यानी कि उत्तर प्रदेश हो या फिर से दिल्ली हो या फिर से और कई भी राज्य हैं जहां पर बीएसपी समर्थक हैं और मायावती के समर्थक हैं, तमाम लोग सड़क पर उतर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर इस बात को लेकर कि जो अभद्र टिप्पणी की गई है मायावती जी के ऊपर। तमाम नेताओं की तरफ से तो इस पर बयानबाजी हो रही है, लेकिन उनके समर्थक भी लगातार इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि आखिर उनको लेकर के इस तरीके से अभद्र टिप्पणी क्यों गई है। कैमरा पर्सन मनमीत सिंह के साथ आरिज मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।